शाहरुख खान बॉलीवुड के मजे हुए और समझदार एक्टरों में से एक हैं, क्योंकि जहां बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार का अपना एक स्टैंडर्ड और काम करने का तरीका है, वहीं अक्षय कुमार किसी भी हाई लो और हिस्टोरिकल मूवी के लिए 30 से 45 दिन लेते हैं, जहां पर आमिर किसी भी मूवी के लिए 3 से 4 साल का एक खास समय लेते हैं, वहीं शाहरुख खान का अपना एक अलग स्टैंडर्ड और काम करने का तरीका है। शाहरुख की आखिरी कुछ मूवी जैसे रईस, जब हैरी मेट सैजाल और जीरो ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। शाहरुख खान की इस साल 3 मूवी आने वाली थी जिसमें वह सिर्फ कैमियो के तौर पर दिखाई देंगे, जिसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में फैन वाले लुक में ऑलरेडी दिखाई जा चुके हैं। रणबीर कपूर की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र द पार्ट वन शिवा में शाहरुख खान का भी एक कैमियो रोल रखा गया है। शाहरुख इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी मूवी को हिट होने के लिए एक्टर के अलावा उस मूवी के राइटर और डायरेक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आने वाले दिनों में जितने भी मूवी आपको फ्यूचर में शाहरुख खान की दिखेंगी, उसमें आपको बेहतरीन डायरेक्टर और राइटर दिखाई देंगे। शाहरुख खान की 3 ऑफिशियली लीड एक्टर के तौर पर 2023 में 3 मूवी आने वाली हैं, जिनमें पठान, जवान और डंकी शामिल हैं। तीनों मूवी के डायरेक्टर ने अपने कैरियर में एक भी फ्लॉप नहीं दिया हुआ है। पठान मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, जिन्होंने अपने कैरियर में बैंग बैंग, वार और बचना है हसीनों जैसे मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। दूसरी मूवी है जवान। इस मूवी के डायरेक्टर बॉलीवुड से नहीं बल्कि साउथ से आते हैं, जिनका नाम एटली कुमार है। भले ही आप इन्हें नाम से नहीं जानते हो, लेकिन उनकी आपने कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखी होगी। एटली कुमार ने विजय के साथ बिगिल, मर्सल और थेरी जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। शाहरुख की आखिरी मूवी जो 2023 के आखिरी महीने में रिलीज होगी, इस मूवी का नाम है डंकी, जिसे बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करेंगे। राजकुमार हिरानी की पहली मूवी मुन्ना भाई MBBS में शाहरुख खान को लीड एक्टर के तौर पर चुना गया था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से इस मूवी को शाहरुख खान ने मना कर दिया और राजकुमार हिरानी ने डायरेक्टर के तौर पर मुन्ना भाई में संजय दत्त के साथ काम किया।